काफी लोगों को प्रॉब्लम यही रहती है कि सर हमारे पास लीड्स नहीं है, लीड्स कैसे जनरेट करें, हम इंस्टाग्राम पे डीएम डाल रहे हैं, फेसबुक पे डीएम डाल रहे हैं लोगों को, बट हमारे पास लीड्स नहीं आ रही। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम की हेल्प से 20 से ज्यादा लीड्स निकाल सकते हो। प्रॉपर एक सही तरीका बताऊंगा जिससे आपको लीड्स मिलेंगी, तो वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखना, जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अभी मैं आपको लेके चलूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम की हेल्प से 20 से ज्यादा लीड्स निकाल सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा, फॉलो कर लेना, आप भी निकाल पाओगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। हे गाइस, तो अपन आ गए हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही तरीके से डीएम करोगे इंस्टाग्राम पे, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे, अपने नंबर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखना। और गाइस मैं आपको बता दूं, डीएम डालने से पहले आपके पास एक चीज होनी चाहिए कि जो आपकी प्रोफाइल है वो वेल मेंटेन होनी चाहिए। आपके पास आपकी प्रोफाइल बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है? बढ़िया तरीके से आपने बायो वगैरह लगा रखा हो, ठीक है? सारी चीजें आपने कर रखी हो, ठीक है? मैं आपको दिखा दूं कि आपको मतलब अपना एक प्रॉपर पता होना चाहिए सामने वाले को कि एक्चुअल में मेरे को डीएम कर कौन रहा है। आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए फेस की, ठीक है? और बाकी आप जैसे प्रोफाइल मेंटेन करते हो वैसे आप मेंटेन करना। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। आपका कोई भी डाउट वहां पे आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे कि कैसे हम एक सही डीएम डालें लोगों को ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई आए, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ डीएम डालने का तरीका। गाइस देखो, अपन मान लेते हैं सर्च करते हैं किसी इंसान को, ठीक है? मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सर्च करता हूँ, खुद का नाम ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, राहुल, ठीक है? गाइस मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया राहुल। अब राहुल सर्च करने पे काफी लोग आ रहे हैं, ठीक है? काफी लोग आ रहे हैं मेरे सर्च करने पे। तो अब मान लीजिए कि मुझे किसी एक बंदे को डीएम डालना है, लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ ऑफिशियल राहुल की आईडी पे मैं जाता हूँ, ठीक है? देखो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो क्लियर सुन लो, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप किसी को मैसेज डाल रहे हो तो उसकी प्रोफाइल पे भी जाना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा करता क्या है, कैसी उसकी प्रोफाइल है, क्या वो मेरा प्रोस्पेक्ट है या नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने राहुल की प्रोफाइल ओपन कर ली है। अब मैं राहुल की प्रोफाइल यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है? बायो इसने थोड़ा ठीक लगा रखा है, ठीक है? बाकी जयपुर से ही बिलोंग करते हैं, या फिर क्या पता इन्होंने डीपी डाल रखी हो या फोटो वगैरह डाल रखी हो, मुझे नहीं पता। हाँ, ये भी जयपुर की है तो बेसिकली जयपुर से ही बिलोंग करते होंगे, तो मेरे को मेरी ही सिटी का बंदा मिल गया। ऐसे आप सर्च करोगे तो आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है? मेरे को ये प्रोफाइल अच्छी लग रही है, हो सकता है मेरा ये प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है? क्या पता मेरे को नंबर दे दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं सबसे पहले इस बंदे को कर दूंगा फॉलो। आपको भी यही काम करना है, सिंपल सबसे पहले बंदे को करना है फॉलो। फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ लाइक्स कर देने, ठीक है? मैं आपको बताऊं, आपको कुछ उसकी फोटोज वगैरह, ठीक है, उसकी कुछ वीडियोस वगैरह लाइक कर देनी है। करीब 5 से 10 फोटो आप उसकी लाइक करो, ठीक है? मैं बोलूंगा कि देखो, लाइक करने का रीजन मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, रीजन ये बता रहा हूँ क्योंकि देखो होता क्या है कि मैसेज रिक्वेस्ट जल्दी से लोग देखते नहीं है ना। मैसेज जो रिक्वेस्ट होती है वो जल्दी से लोग देखते नहीं है, बट देखो इनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है। बट होता क्या है कि इनके पास अगर एक साथ नोटिफिकेशंस जाते हैं, 10 से 11 नोटिफिकेशन आते हैं या फिर उससे ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं, तो ये देखते हैं कि यार अचानक से इतने नोटिफिकेशन मेरे पास कहाँ से आ गए, ठीक है? कि मेरे इतनी लाइक्स कहाँ से आ गई। तो सिंपल उनको सेम एक ही बंदा दिखेगा कि एक ही प्रोफाइल का बंदा मेरे को लाइक कर रहा है, मेरे को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी आईडी पे जाएगा। जब वो आपकी आईडी पे आएगा आपका प्रोस्पेक्ट, तो सिंपली वहां पे उसको आपकी मैसेज रिक्वेस्ट शो होगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने प्रोफाइल को मेंटेन कर रखा है एंड आपने जो डीएम डाला है, अगर वो डीएम स्ट्रोंग है, अभी मैं आपको डीएम भी बताऊंगा, आपको डीएम क्या डालना है, मैं आपको डीएम देने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत करो। डीएम बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप सामने वाले को क्या मैसेज दे रहे हो।
अगर आप एक प्रॉपर डीएम डालते हो, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपके पास रिप्लाई आएगा ही आएगा। तो आपको जब डीएम डालो तो उससे पहले अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट करके रखना। आपने उसको फॉलो कर दिया, उसकी कुछ फोटोज लाइक कर दी, फोटो लाइक करने के बाद में आपने बंदे को डाला यहाँ से डीएम, ठीक है। यहाँ से भी आप डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो बंदे को, ठीक है। यहाँ पे आपने डीएम डाल दिया। डीएम डालने के बाद मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। डीएम डालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, उसकी प्रोफाइल को छोड़ देना, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसके बाद बार बार क्वेश्चन मार्क भेजते हैं, उसका रिप्लाई मांगते हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं जो डीएम आपको देने वाला हूँ उससे आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। वो डीएम आपको कैसे मिलेगा, आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी, या फिर आपको यहाँ पे मेरा यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा, राहुल मान डॉट वन। सिंपली आप मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको डेफिनेटली वो डीएम प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे रिजल्ट आता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एक पोस्टर लगाना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो एक पोस्टर की हेल्प से। तो मैंने बोला था जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा मैं डेफिनेटली उसको वो पोस्टर प्रोवाइड करवाऊंगा। काफी लोगों ने मेरे को मैसेज किया है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने हर एक इंसान को वो पोस्टर प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो आपको भी अगर वो डीएम चाहिए, आप चाहते हो कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करूं डीएम की हेल्प से, आप काफी मेहनत कर रहे हो बट नहीं आ रहा, तो एक स्ट्रॉन्ग डीएम आपको डालना होता है। तो वो डीएम अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, डेफिनेटली मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मैं कुछ भी आपसे नहीं बोलता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में तुरंत प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप डीएम डाल सकते हो। आपने पहले तो नेम सर्च करके डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप जैसे सिटी से हो, ठीक है, मान लीजिए मैं अभी जयपुर सिटी से हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा जयपुर, ठीक है। आप जिस भी सिटी से हो अपने सिटीज के बंदों या बंदी को फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया जयपुर। अब मैं जयपुर पे जाऊंगा कि कितने लोग हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, तो मैं यहां से जाके इनको डीएम डाल सकता हूँ। मेरे को जिसकी प्रोफाइल अच्छी लगे मैं उसकी प्रोफाइल पे जाके डीएम डाल सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद लवली कुछ इसने लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये इसकी प्रोफाइल है। हम इसको डीएम डाल सकते हैं, सिंपली हम इसको फॉलो करेंगे, वही तरीका फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद में इसकी कुछ फोटोज लाइक करेंगे, फिर हम इसको एक डीएम डालेंगे जिसकी मदद से ये हमको डायरेक्टली नंबर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। आप सिंपली किसी के पर्टिकुलर नेम सर्च कर सकते हो किसी का, या फिर आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग लोगों को डीएम डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको रिप्लाई 110% मिलेगा। गाइज ये था इंस्टाग्राम से एक तरीका जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। गाइज ऐसे बहुत से तरीके हैं इंस्टाग्राम पे जिससे आप डेली से सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से 20 से ज्यादा लीड्स निकाल सकते हो, अपनी पोटेंशियल लीड्स निकाल सकते हो। काफी तरीके हैं, मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल डीएम का तरीका बताया। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि हम डीएम से लीड्स निकाल सकते हैं, बट गाइज ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम और तरीकों से भी लीड्स निकाल सकते हैं। अगर आपको लीड जनरेशन इन डिटेल सीखना है, आपको सीखना है कि मुझे पोटेंशियल लीड्स चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, तो आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको इन डीप ये सारी चीजें सिखाई हैं कि कैसे आप लीड जनरेट करोगे हर एक प्लेटफॉर्म से, जिससे आप डेली बेसिस से 50 नहीं बोल रहा हूँ 100 से ज्यादा लीड्स को जनरेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका एक भी पैसा नहीं लगना। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको लीड जनरेशन से लेके प्रोस्पेक्ट की बिलिंग तक सारी चीजें लाइव प्रोसेस समझाई है। तो कोर्स में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे कोर्स की लिंक है, वहां से जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही मैं ऐसी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये वीडियो अपने टीममेट्स में जरूर से शेयर करना यार, क्योंकि उन्होंने अभी बिजनेस को ज्वाइन किया है, उनको ऐसी वीडियोस की बहुत ज्यादा नीड है। आप उनको शेयर करते हो वो चीजें सीखेंगे, उनकी काफी हेल्प होगी। तो वीडियो को अपने टीममेट्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लीड जनरेशन के रिगार्डिंग ही हम रखने वाले हैं। और गाइज आपको अभी तक अगर ये नहीं पता कि हम व्हाट्सएप से लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वीडियो के ऊपर लास्ट में एक वीडियो आ रही होगी, अभी आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप व्हाट्सएप से लीड जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो आ रही है, वीडियो के ऊपर क्लिक करो और देखो कैसे आप व्हाट्सएप से लीड जनरेट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।